जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है, तो उसको डोजेस के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान निकाला है। तो उसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, नहीं तो लोग एक साथ अगर इकट्ठे होकर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो इससे संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन का मतलब तरीका निकाला है कि रजिस्ट्रेशन के जरिए हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। तो वैक्सीनेट करवाने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, तो उस रजिस्टर की पूरी प्रक्रिया अभी लोगों को नहीं आती है। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रक्रिया मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, वो वीडियो मैं अभी बताऊंगा। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम है हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं द हर्ष टैग। तो आज के इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और कैसे आपको वैक्सीन लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि इसमें आपको क्या ज़रूरत है। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक आधार कार्ड की, आरोग्य सेतु ऐप की और फ़ोन नंबर की। तो आशा है कि आपके पास सब होगा। अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो पहले आप प्ले स्टोर में जाएँ, यहाँ पर आप डाल सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप, यहाँ पर आ गया आरोग्य सेतु। अगर डाउनलोड नहीं है तो इंस्टॉल कर लें, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लें। यहाँ से ओपन करने के बाद आप इसको स्किप करें और यहाँ पे वैक्सीनेशन पे जाएं और यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं। यहाँ से नंबर डालने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड टू वेरीफाई कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं नंबर डाल लूँ। तो यहाँ दोस्तों OTP आएगा, OTP का वेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप OTP आ चुका है। तो मेरा OTP है यहाँ पे 9648969 6 9 6 4 8 9 6। तो यहाँ से OTP डाल के आप यहाँ से प्रोसीड टू वेरीफाई करिए। अब यहाँ से आपको पूछेगा आपके पास कौन सा है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड चूज कर लूँगा। यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर आईडी डालूँगा, आधार कार्ड का आईडी नंबर, और यहाँ पे नेम डालूँगा जो आधार कार्ड में मेरे लिखा हुआ है। यहाँ पे मेल फीमेल चूज करूँगा और यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आप यहाँ पे ये चूज करते हैं कि कौन सा आईडी आप दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ करना होगा, जितना उसमें लिखा होगा उतना। क्योंकि ये आपको जो भी आईडी आप यहाँ पे सबमिट करोगे उसको आपको लेके सेंटर पे जाना होगा वैक्सीन। तो चलिए दोस्तों मैं प्रोसेस पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे राजेश कुमार भी आ गया है और यहाँ पे ये भी आ गया है कि अभी तक वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो अब हम करेंगे, अब देखेंगे कि कहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है और कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे सेंटर पता करने के लिए। हमारा पिन कोड है 2431 22। और यहाँ पे फ्री भी है पेड भी है, तो देखते हैं कि फ्री में हमारे लिए अवेलेबल है कि पेड में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं इज्जत नगर UPSC एबरेली रेलवे हॉस्पिटल इज्जत नगर अवेलेबल है। तो रेलवे हॉस्पिटल इज्जत नगर में कब का अवेलेबल हम ये देख लेंगे। तो हमारा कोविड शील्ड अवेलेबल है, एज वो भी 45+ के लिए अवेलेबल है। सेलेक्ट स्लॉट टू वैक्सीनेट टू प्रोसीड, ठीक है, 45+ के लिए है, अभी हमारे लिए अभी नहीं है। तो ऐसे ही आप यहाँ से क्लिक करके टाइम और प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको पेड का वाला चेक करना है तो यहाँ पे पेड भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हमारा भी पेड अवेलेबल नहीं है, फ्री वाला ही अवेलेबल है हमारे लिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।